मौजिद हाजिन चेयरमैन साहब प्रिंसिपल साहब वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सिर्फ दो मिनट लेना चाहवागा एक गल अपने शेयर करने वास्ते। कोई चेयरमैन साहब हमेशा कहें अं एम्बेसडर है इस कोर्स से उस सारे कहते कोर्स ज्वाइन करो वध तो वध गिनती इस कोर्स में ज्वाइन करो। तो लोग मैं पूछते हैं कि यह कोर्स जोड़ा है किस तरह के नाल डिफरेंट है जिदा अं गुरुद्वारे देखते हैं या चैनल सवेरे ऑन करते हैं टीवीज़ के उत्ते दस दस चैनल आते हैं तो डिफरेंस की है इस कोर्स का तो उस कोर्स का। तो मैं एक इंटरनेट के उत्ते शेयर मैंने बड़ा अच्छा आया सीगा तो क्या कि ये जिंदगी गमों का एक हजूम है मेरा हौसला तू देख मैं इसके दरमियाँ से गुजर गया। तो अगले वाला कहता कि मैंने समझ नहीं आया था मतलब कि यह हजूम की है गया दरमियाँ की है गया। तो मैं उन्होंने समझाया मैं क्या एक होर तरीका है समझा का जो मॉडर्नाइज तरीका है यंग जनरेशन समझाने वास्ते कि जो असं पिज़्ज़ा खान जाते हैं तो पिज़्ज़ा जोड़ा है स्क्वेयर बॉक्स ही आता है पर जो डब्बा खोलते हैं तो वो राउंड शेप ही आता है पर जो खाने वास्ते चुकते हैं तो वो ट्रैंगुलर शेप ही आता है। तो जिंदगी जो है वो इस तरह वाली हैगी है कि वो दिखाई कुछ दिंदी है होंगी कुछ होर है वो निकलता वह तत् जोड़ा है कुछ होर ही निकलता है। तो उस तरह के नाल कोर्स जोड़ा है पिज़्ज़े की परिभाषा समझाने के तरीके है यह तुहानू औखा तरीका नहीं है बड़ा सिंपल बड़े अच्छे तरीके तुहाड़े दिमाग के अंदर दिल के अंदर गहराई तक जाने वाला तरीका है जो तुहानू समझ आ जाता है। और दूसरी चीज़ जी है वे कि बड़िया वड्डिया वड्डिया गल्लां असीं करदे हैं सारे लोग सुनते भी हैं पढ़ते भी हैं देखते भी हैं लेकिन चूंकि मेरा अपना परसनल मत है मैं किसी के वल्लों नहीं कह रहा कोट नहीं कर रहा कि नॉलेज जी है इंग्लिश कहावत है कि लिटल नॉलेज इज़ डेंजरस। और सेम अगर नॉलेज एक्सेस भी हो जाए ना तो वह भी एवरीथिंग इन एक्सेस इज़ हार्मफुल। तो सानू नॉलेज उस तरीके लेनी चाहिए ना तो घट होए ना इन्नी ज़्यादा होए कि सानू सानू खराब करे क्योंकि ज़्यादा होएगी तो वो मैं लगता कि भ्रम पैदा करती हैगी है साढ़े अंदर तर्क पैदा करती जी सब तो मेन चीज़ होंगी बड़ा गल कर तैयार हो जाते हैं। हाँ जी अच्छा यह मुद्दे उत्ते गल तो मैं बहुत अच्छी तरह कर सकता वा। तो जिदा गुरबाणी कहती है कि भ्रम ना चाह तर्क ना चाह भ्रमिया चाह के सुवा बचोनी आई है मई ये कान जियो। तो सानू ना तो तर्क करना चाहिए है तो ना ही सानू भ्रमा ही पैना चाहिए है इस चीज़ तो अपने आप में जिन्ना असं दूर रख सकी। और जी एसेंस वाली गल जी हैगी है वह क्योंकि मैनू भी बड़ा मुश्किल होंगे सी चीज़ समझना कि यार लोग कहें जी धर्म के मार्ग पर चलो गुरबाणी पढ़ो तो तुहानू रब की प्राप्ति होएगी तो शुरुआत बड़ी मुश्किल लगती सी इस चीज़ के बारे। तो मैं एक किस्सा तुम सारे नहीं सुनया होएगा मैं कल ने तो नहीं सुनया तो बड़ा फेमस है कि जो बाबा बुल्ले शाह शाह नायत के कोल गए तो वह अपनी खेती बीजते पे सी गए तो बाबा बुल्ले शाह ने पूछा कि शाह नायत को कह जी अपने कामल मुर्शद नू कह जी रब नू किदां पाया जाए। तो शाह नायत ने कहा कि बुलिया रब दा की पाना इत्थों पुटिया इत्थे लाना। तो बहुत सिंपल है मन है मन भी इत्थों पुट के तो उत्थे लगाना है तो इन्ना औखा काम नहीं है कि जिन्ना इंप्लीमेंट करने लगे की है औखा है बस इन्ना शब्द इन्ना भुला चुका दिखी मैं वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह।